Let me state that I've always been clear that the temporary foreign worker program is and has always been a, a last resort measure and should never be used to replace Canadian workers who want the jobs and it should not be used to um, suppress their wages. time <laughs> कनाडा की डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चाहे वो नोवा कोशिया हो या फिर विनीपैग हो या फिर ऑनटरियो में ब्रैमटन हो या कोई भी जगह हो इतने ज्यादा जहाँ पे रैली चल रही थी प्रोटेस्ट चल रहे थे उनका मार्क मिलर ने काफी बुरी तरीके से काट दिया ये बोल के कि एक्सटेंशन नहीं होने वाला है एंड आपको अपने घर वापस जाना पड़ेगा तो नया दिन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत सारी नई चेंजेस कनाडा में रिसेंटली आपको ये तो पता है कि कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई है रेंट से रिलेटेड इन्फ्लेशन से रिलेटेड महंगाई से रिलेटेड सो कनाडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक हो रखा है एंड यहाँ की गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से अपने हाथ से कुछ कर नहीं पा रही सो so वो ये सोच रही है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं क्यों ना उनका काटा जाए कैसे काटे उसके बारे में आज उन्होंने नए चार रूल्स निकाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं ये चार रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले अगर आप कनाडा में हो या कनाडा आना चाहते हो एंड अभी आपका डिसीजन ड्यू है सो so आप इस वीडियो को देखें एंड आपको उसके बारे में काफी नॉलेज हो जाएगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो सो so, मैंने अभी रिसेंटली नई नई गाड़ी ली है कार में मोबाइल होल्डर नहीं है सो हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ एंड uh, मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो गाड़ी में शेयर की जाए एंड अगर आपको कार के एक्सपेंसेस की या कितना uh, कितने में हमें ये गाड़ी पड़ी क्या मंथली एक्सपेंस है हमारा उसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करें मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अगली वीडियो वो हो जाएगी सो so, uh, आज की वीडियो पे आते हैं उन चार पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बताया कि जिन बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट होगी एंड जो पीजी अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नवम्बर वन उनको इंग्लिश का लैंग्वेज का एक्लेंसी टेस्ट देना पड़ेगा चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो फ्रेंच हो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं ये सुनने में काफी वाहियात लगता है कि आप ऑलरेडी आयल्स देके आए हो या जो भी आपके एग्जाम होते हैं वो आप देके आए हो कनाडा में एंड एक साल या दो साल के अंदर अंदर आपको फिर से देना है वो टेस्ट अब इसके रीजंस काफी हो सकते हैं जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर में जिसमें से एक में ये बताया कि दोज बी रिक्वायर्ड for anyone applying for post graduation work permit. उसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश बोलेंगे या जो फ्रेंच बोलेंगे कनाडा में उनके लिए थोड़ी जो इंटीग्रेशन है वो आसानी होगी जॉब के लिए वो फिटेड अच्छे होंगे सो so, ये एक पॉइंट बोला है उन लोगों ने आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपकी एजुकेशन खत्म हो या आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं आपको फिर से अपना लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के लिए इनको सी एल चाहिए इसका ये मतलब है कि सब में छह बैंड चाहिए रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा में एंड जो कॉलेज से हैं उनको सी एल चाहिए इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बड़े चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी टाइम से ये सिस्टम चल रहा है उनको काफी टाइम लगेगा चेंजेस लाने में तो तब तक ये छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं जिनका कोई सरपाव नहीं है उनमें से पहला चेंज था ये जिसके बारे में बात की अब हम बात करेंगे दूसरे चेंज के बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप स्पाउसल वर्क परमिट पे कनाडा आना चाहते हो जैसे कि हमेशा से लोग आ रहे थे उनका स्पाउस यहाँ पे पढ़ाई करने आता था एंड वो अपना वीजा फाइल करते थे यहाँ पे आराम से आके वहाँ पे जॉब करने लग जाते थे कोर्स की ड्यूरेशन पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं थी आप एक साल का कोर्स कर सकते थे एंड यहाँ पे अपने स्पाउस को बुला सकते थे बट अब आज के रूल के हिसाब से 18 सितंबर के रूल के हिसाब से आपके स्पाउस को एटलीस्ट 16 महीने का कोर्स करना है तभी आप यहाँ पे आ पाओगे ऑन अ स्पाउसल वर्क परमिट वरना आप नहीं आ पाओगे वट डिड द मेक श्योर फ्रॉम दिस दे मेड श्योर देट यू स्पेंड मोर मनी आप काफी ज्यादा पैसा लेके कैनेडा आओ उतनी ही बड़ी जी आई सी आप यहाँ पे डालो इकोनॉमी में और पैसा इन्वेस्ट करो ताकि उन थोड़े लोगों को जो स्पाउस वर्क परमिट पे यहाँ पे आ रहे हैं उनका भी अपॉर्चुनिटी मिल कर सके सो ये था एक अपडेट तो आप अगर वर्क परमिट पे आने का सोच रहे हो भले आप इंडिया से आपकी जॉब लगी है या आप यहाँ पे आपकी पढ़ाई खत्म हुई है एंड आपकी शादी वगैरह हुई है एंड आपने अपने, अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना चाहते हो सो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें नंबर थ्री जो रूल आया पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है उनके लिए कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है तो आप सांस ले सकते हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपको तीन साल का वर्क परमिट मिल जाएगा आपकी पीआर में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनको ये लगता है कि आप सिलेक्टिव कोर्सेज में जो अच्छे अच्छे कोर्सेज है एक्म्पलिनिस्ड कोर्सेज है आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो एंड आप फर्दर कैनेडा की सिस्टम में कैनेडा की इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट करोगे अच्छे से टैक्स वगैरह दोगे और इनकी इकोनॉमी चलाने में आप इनकी हेल्प करोगे सो so, वो लोग सांस ले सकते हैं चौथा और आखिरी और सबसे बड़ा जो चेंज है आपको उसके बारे में मैं बताता हूँ आपने रिसेंटली काफी ज्यादा ये देखा होगा यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि पी जी डब्ल्यू पी एक्सटेंशन के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें सहनी पड़ रही है काफी ज्यादा लोग सड़कों पर आए हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जिनका पी पी एक्सपायर होने वाला है कुछ समय में कुछ महीनों में या एक साल में ये न्यूज उनके लिए है मार्क मिलर भाई साहब ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि पीजीडब्ल्यूपी एक्सटेंशन नहीं होगा उन लोगों का जो एक्सपायर हो रहा है तो ये काफी एक बड़ी न्यूज है पर्टिकुलरली उन दो ढाई स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे अपना सपना लेके आए थे इस देश में अपना सपना लेके आए थे कि अपनी वो यहाँ पे फ्यूचर बनाएंगे एंड पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट करेंगे घर खरीदेंगे फैमिली बनाएंगे ये न्यूज उनके लिए बहुत बड़ी होगी एंड काफी लोगों के दिल टूटे होंगे आई डोंट नो कि आगे क्या होगा क्या रिवर्स करेंगे इस चीज को या फिर क्या बाकी जो है पार्टीज इसमें हडल करेंगी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बट दिस इज अ वेरी बिग एंड ब्रेकिंग न्यूज मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो या ऑलरेडी यहाँ पे हो एंड वीडियो किस तरीके से आपके पास पहुंचे आपको इस बारे में पता चल जाए एंड मे बी आपकी थोड़ी सी हेल्प रही बात जो है इंग्लिश uh, टेस्ट की वो आई थिंक थोड़ा सा वैलिड ये भी है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई नो सम पीपल हु कैन नॉट सो आई नो दिस इज मे बी नॉट दैट सेंसिबल बट इट्स सम हाउ मेक्स अ लिटल सेंस दैट द गवर्नमेंट नोज दैट देयर आर सम पीपल हु आर हेयर मे बी इन फॉल प्रिटेंसेज जो यहाँ पे झूठ-झूठ बोल के आए हैं या थोड़ा एल एम आई स्कैम करके आए हैं उन लोगों का थोड़ा टेस्ट लिया जाए एंड जैसे ही आप वो टेस्ट में फेल करेंगे वो आपको बोलेंगे चलो निकलो पहली गली से सो so, ये था रीज़न शायद उनका

एंड फोर हंड्रेड एटी सेवन थाउजेंड से फोर हंड्रेड सम थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास वो आ चुका है एंड ये बोल रहे हैं कि दो हजार छब्बीस तक उसको तीन लाख के आसपास कर देंगे इसका ये मतलब है कि कम से कम स्टूडेंट कैनेडा में आएंगे जितने ज्यादा फाइल्स होंगी उतना ज्यादा रिजेक्शन एंड ये टेम्प्रेरी नहीं रहेगा ये दिस इज हेयर टू स्टे सो आने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें ये सब भी हो रहा है सो so, ये थे कुछ चार पांच रूल्स जिसके बारे में मैंने बात की आपको अगर थोड़ी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने कमेंट करें कि आपका क्या कहना है आपके क्या विचार है एंड आई एल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर